दोस्तों फाइनली मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ अकाउंटेंसी के बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। अगर आप भी चाहते हैं अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना तो आपको मस्ट है भाई आप एमसीक्यू देख लें एक बार। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई आपका कितना कंसेप्ट यानी डेप्रिसिएशन चैप्टर कितना स्ट्रांग है। तो कुछ मैं छांट छूट के भाई लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे एमसीक्यू क्वेश्चंस। एक एक को सॉल्यूशन देखेंगे, एक एक को समझेंगे और आइए बिना टाइम वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं प्रॉपर वीडियो। ये क्वेश्चन दोस्तों है हमारे प्रॉपर डेप्रिसिएशन के। अगर आप भी सोचते हैं या समझते हैं अपने आप को अकाउंट्स का एक्सपर्ट तो यहाँ आके आप चेक कर सकते हैं आपका नॉलेज कितना है अकाउंटेंसी का। तो चैप्टर वाइज में एमसीक्यू लेके आया आपके लिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगर आपको पता है आंसर कमेंट करके जरूर बताएंगे, मेरे बताने के बाद नहीं माना जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर क्या कह रहा है पढ़ते हैं। विच वन इज नॉट द कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। यहाँ पर बोला गया है कि इनमें से कौन सा कॉज नहीं यानी डेप्रिसिएशन का कारण नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका ऑप्शन वन, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अगर आपको आंसर पता है तो जरूर आप हक से कमेंट कर सकते हो, बाकी हम आपको आंसर बताएंगे ही बताएंगे। जो करेक्ट आंसर है पहले तो वो समझ लो, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगर जो प्राइस में फ्लक्चुएशन आ रही है उससे मेरा असेट यानी मैं डेप्रिसिएशन का कॉज नहीं होता। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, जो मेरी फिक्स्ड असेट है उसकी वैल्यू में क्या आना, कमी आना। अब यहाँ पर प्राइस की बात कर रही हूँ, उसके प्राइस के बढ़ने या घटने से मेरा कोई डेप्रिसिएशन का यूज नहीं होता। डेप्रिसिएशन का कॉज हो सकता है या तो वियर टियर हो जाए उसमें, या तो कोई तोड़ फोड़ हो जाए, ऑब्सिलेंस हो जाए यानी कोई मान लो नया प्रोडक्ट आ गया, या टाइम बीतने से, ठीक है समझ रहे हो। तो इससे डेप्रिसिएशन लगता है। जैसे टाइम का मतलब है कि भाई मैंने कोई एसेट आज खरीदी, आज एक फोन खरीदा और उसको 2-3 महीने बाद बेच रहा हूँ तो उसकी वैल्यू कम हो गई होगी, तो वो उसका कॉज होता है। यानी ऑप्शन ए, सी और डी ये क्या होंगे दोस्तों, कॉजेज होंगे, और कौन सा नहीं है वो ऑप्शन बी। क्वेश्चन जरूर ध्यान से पढ़े, इसी क्वेश्चन का आंसर बच्चे ज्यादा वियर एंड टियर लिख के आ जाते हैं ऑप्शन डी। यहाँ पर बोला है भाई कौन सा नहीं है, कौन सा है ये नहीं पूछा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ध्यान से समझना है और करना। क्या कह रहा है क्वेश्चन सेकेंड, द लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट इज डेबिटेड टू। अगर आपको क्या हुआ है दोस्तों, लॉस हुआ है सेल में किसी असेट के, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस है या ट्रायल बैलेंस है या बैलेंस शीट या ट्रेडिंग है किसके अंदर कहां पर कैसे जाएगा। ऑप्शन हमारे पास चार हैं, एक एक करके समझते हैं। जो लॉस होता है दोस्तों बेसिकली सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में तो आएगा नहीं। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें हमें पता है कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बेसिकली हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी जो खर्चे वगैरह होते हैं वो शो करते हैं। बैलेंस शीट में दो चीजें जाती हैं, या तो असेट्स या तो लायबिलिटीज, ना तो इसमें असेट है ना तो लायबिलिटी, यानी ये भी नहीं हुआ। ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड यहाँ का कोई रोल नहीं है। ट्रायल बैलेंस में बेसिकली मशीन, लायबिलिटी ये सारी चीजें जा रही होती हैं, ठीक है। बचा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, पीएनएल अकाउंट इसे बोला जाता है। आप याद करो, अगर आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट पढ़ा है डेप्रिसिएशन चैप्टर तो आप चेक करो, जब आपको लॉस होता था तो आप बाय लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस, और ऊपर आता था कोई एसेट का अकाउंट। अगर आप यहाँ से एंट्री निकालो चेक करो, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा है और टू असेट। पीएनएल को क्या किया जा रहा है चेक करो, पीएनएल मेरा डेबिट हो रहा है, द लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट इज डेबिटेड टू, किसमें डेबिट किया जाता है, ऑब्वियसली होता है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेबिट किया जाता है। ये बात समझ, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपका आंसर सही था जरूर कमेंट करके बताएंगे, सी वाई कंसेप्ट लिख के @ ऑप्शन ए, कोई दिक्कत। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और फटाफट से इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आपको आता है तो यू कैन कमेंट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है दोस्तों, थर्ड है कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन, यानी डेप्रिसिएशन किसमें लगाया जाता है, क्या वो करंट एसेट में लगता है, क्या वो फिक्स्ड टेंजिबल एसेट में लगता है या किसी में नहीं लगता, या बोथ करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट, तो कौन सा आप सोच रहे हो। अगर आप ऑप्शन डी सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत हुआ, ठीक है दोस्त। ऑप्शन बी तो होने से रहा। करंट एसेट्स के एग्जांपल्स याद करो, क्या होते थे, ट्रेड रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, डेटर्स,
इनमें कभी हम डेप नहीं लगाते, हम लगाते हैं फिक्स्ड असेट में, और वो भी कौन सी, टेंजिबल में, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। आ रही बात समझ? जैसे मान लो मशीन हो गया, मशीनरी, प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गया। आ रही बात समझ? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बाकी इसकी पीडीएफ आपको लिंक बायो में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लो। प्रॉपर पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट में है, कोई चार्जेस नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि आपके लिए हमें काम करना है और आपको आगे बढ़ाना। फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी साल के एंड में क्या कह रहा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू, यानी जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो कहाँ ट्रांसफर किया जाता है। तो डेप्रिसिएशन आपको समझ आना चाहिए कि इट इज अ काइंड ऑफ लॉस है हमारे लिए, या आप कह लो एक्सपेंस है, खर्चा है। अरे बात समझ? अब ये जो खर्चा है भाई, ये क्या होगा कि साल के एंड में हमें क्या करना पड़ता है, एक अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। बैलेंस शीट तो है नहीं, क्योंकि सेट लायबिलिटी जाती है। ट्रेडिंग का भी आपको मैंने समझाया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में गलत मत टिक कर जाना, ये क्लास 12th में पढ़ोगे आप चैप्टर 1 पार्टनरशिप के अंदर। जो करेक्ट आंसर है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, लॉस हुआ तो जो लॉस एक्सपेंस ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में पढ़ते हैं बहुत ध्यान से, एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है, बहुत बड़ी बड़ी क्वेश्चन चार्ट के। फिफ्थ क्वेश्चन है, द डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन असेट विल बी क्रेडिटेड टू, यानी डेप्रिसिएशन अगर चार्ज कर रहे हो तो किसके क्या क्रेडिट होता है। तो इसके लिए आपको एंट्री पता होनी चाहिए। तो डेप प्रोवाइड करने की एंट्री याद करो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू किस पे लगाते हो, ऑब्वियस ही बात है यार, असेट पे लगाते हो। तो क्रेडिट किसको कर रहा है, क्रेडिट भाई असेट को कर रहा है, ऑप्शन सी, बहुत सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं फटाफट से। सिक्स्थ क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझते हैं, क्या कह रहा है, एवरी फिक्स्ड असेट loses its value due to use of other reasons, ठीक है। This decline in the value of asset is known as, यानी जो asset की value में कमी आ रही है उसको use करने से, इस चीज को किसके नाम से जाना जाता, तो एक है amortization, एक provision, depreciation और devaluation। तो correct answer है दोस्तों C, इसे हम depreciation कहते हैं। amortization तब use किया जाता है जब intangible asset की value में कमी आती है। कुछ बच्चों को नहीं पता होगा ये कि इनटेंजिबल की एसेट की वैल्यू में जब कमी आती है तो उसे हम एमोटाइजेशन कहते हैं, तब हम डेप्रिसिएशन टर्म यूज नहीं करेंगे। प्रोविजन क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ लायबिलिटी जो कि हम फ्यूचर के पर्पस के लिए क्रिएट करते हैं एज अ बचा के कि आगे काम आएगा। डीवैल्यूएशन यानी किसी की वैल्यू में क्या करना, कमी करना, समझ गए। तो ये सिमिलर लग रहा है सी और डी, बट करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ध्यान रखो। अगला सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज अंडर डिमिनिशिंग मेथड। अब आपको पता होना चाहिए डिमिनिशिंग मेथड को बेसिकली क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब अभी भी नहीं समझे तो आपको अब WDV से समझ आ जाएगा। ये बेसिकली एक ही मेथड के अलग अलग नाम है। इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन को क्या होता है, इंक्रीज होता है क्या डिक्रीज होता है, इंक्रीज वन ईयर, डिक्रीज अनदर ईयर, सेम एवरी ईयर, सेम तो नहीं होता। अरे बस समझ, इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ डेप होता है WDV में, हर साल क्या होता जाता है दोस्तों, डिक्रीज एवरी ईयर, यानी पहले 20,000, फिर 18, 16, ऐसे कम होता चला जाता है। तो ध्यान रखना ये तीनों नाम, कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। अगर इसके अलावा कोई नाम पता है तो जरूर कमेंट में बताओ, बाकी बच्चों को भी नॉलेज बढ़ेगी। एट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, फाइनली पूछ रहा है भाई डेप्रिसिएशन है क्या। भाई कॉस्ट ऑफ यूजिंग अ फिक्स्ड असेट, द वैल्यू ऑफ असेट, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट रिपेयर, पोर्शन ऑफ फिक्स्ड असेट, कॉस्ट कंज्यूम ड्यूरिंग द करेंट अकाउंटिंग। तो करेक्ट आंसर है बेसिकली एक कॉस्ट है भाई किसकी, असेट को यूज करने की। आप उसको यूज करते हो तो हम उसकी डिक्लाइन करके वैल्यू किस में ट्रांसफर कर रहे होते हैं, डेप्रिसिएशन में, ठीक है। पता है तो जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। लास्ट के दो क्वेश्चन कर लेते हैं, अपने आप को जरूर मार्क्स दे अपने हिसाब से कि भाई कितना स्कोर किया आपने, 10 out of, वो भी ईमानदारी से देना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, व्हाट इज द रेट ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन अंडर डिमिनिशिंग मेथड, यानी कौन सा
रेट यानी कितना परसेंटेज लगाया जाता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या WDV कह लो या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, कोई सा भी नाम ध्यान रखना, नाम बदल के दे देता है। क्या वो 12% है, क्या वो 15% है, क्या वो 10% है या नॉट फिक्स्ड? तो ऑप्शन करना है कमेंट, इसका पता चल जाएगा कितना आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है। बाकी हम आंसर आपको जरूर कमेंट में बताएंगे, ठीक है। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन करते हैं, देन वीडियो हो जाएगी एंड। द अल्टरनेटिव आइटम यूज फॉर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, यानी कौन सी दूसरी टर्म है जो कि मैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए यूज करता हूँ? तो वो दोस्तों है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आपने ये यूज भी किया है जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कि अलग से हम डेप्रिसिएशन को शो कर रहे होते हैं। आगे बात समझ, तो ये हमारे दोस्तों 10 MCQ थे जो कि मैं छाट के लिए आपके लिए लाया था स्पेशली। 9th क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर देना है, प्लस मैं भूलना नहीं 10 में से कितना स्कोर किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग CY कंटेंट।